फल लेते होंगे, ठीक है, या बाजार में जाते समय आपने आपको ये आपको ढेर सारे फल पसंद होंगे। वैसे ही हर एक को क्या पसंद होता है बच्चों, हर कोई को अलग अलग चीजें पसंद होती है। फलों के नाम भी तो क्या हुए, अलग अलग है ना, केला है, अनार है, पपई है, इसके बाद सेब है, अमरूद है, इसके बाद और का क्या है जो बहुत मीठा होता है, साल में एक बार ही आता है, बहुत अच्छा बच्चों। तो आम, आम जो होते हैं ना हर एक बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें क्या होता है 12 महीने जो साल के होते हैं उसमें हमें आम मिलता है नहीं, जो कोई भी उसका मौसम होता है उसी सीजन में हमें क्या मिलते हैं, आम मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, आम चूस चूस के, चूस चूस के, बहुत अच्छे होते ना, मीठे लगते हैं, इसलिए हमें आम छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं। तो बच्चों ऐसे ही आज मैं आपको हमारा पहली कक्षा का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है आम की कहानी, तो आज ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों ये देखिए रिमझिम भाग एक, ऐसी आपकी किताब होगी अभी, और इसमें पन्ना नंबर 18 निकालिए बच्चों। यहाँ पर ना एक यहाँ चित्र कथा है, मतलब चित्र दिए गए हैं और उससे हमें ये क्या करनी है, कथा खुद तैयार करनी है बच्चों। ये क्या है, एक चित्र कथा है बच्चों, मतलब वहां पे चित्र दिखाई दे रहे हैं और हमें क्या करना है, इन चित्रों से हमें कहानी तैयार करनी है। हम भी तो कहानी तैयार कर सकते ना, अगर अगर हमें चित्र दिखाए जाए और हमसे पूछा गया कि इससे क्या कहानी बन सकती है, तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं ना, एक कौवा माँ आपको दिखाई दिया, वहां पे एक मटका दिखाई दिया और उसमें पानी ही नहीं है, कौवे को बहुत प्यास लगी है, इसके बाद वो मटके के पास आता है, पानी ढूंढने लगता है, लेकिन पानी में तो तल गाठा हुआ होता है, बहुत ही अंदर होता है, नीचे होता है, तो बच्चा क्या कर, तो कौवा क्या करता है, यहाँ से वहां से पत्थर उठाकर अपनी चोंच में से लाता है, उससे पानी बढ़ता है, वो बड़े आराम से पानी पीता है। मतलब अगर हम कौवा मटका ऐसे चित्र दिखाएंगे तो आप बड़े आसानी से कहानी बता सकते हैं ना, वैसे ही बच्चों ये एक आम की कहानी है और इसमें क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है इस कहानी में। तो पहले चित्र में दिखाया गया है कि आम, आम देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। हम भी अगर आम के पेड़ में लटके हुए आम देखते हैं ना, अरे वाह मुझे वो चाहिए, पका हुआ आम देखकर तो हम बहुत ही कूदने लगते हैं, देखकर उसे कि मुझे आम चाहिए, अच्छा लगता है, पसंद लगता है, हम दौड़ने के लिए भागते हैं, उसे पत्थर लेते हैं और फेंकते हैं क्या, ताकि वो गिर जाए। तो उसी प्रकार ये जो लड़की है ना, ये आम देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने भाई को बुलाती है जल्दी से, भैया जल्दी आओ, मुझे वो क्या चाहिए, आम चाहिए। अब बच्चों आप मुझे बताइए, आम के पेड़ को आम लगेंगे या सेब के पेड़ को आम लगेंगे, तो आम के पेड़ को ही आम लगते हैं ना, या सेब के पेड़ को लगते नहीं, अमरूद के पेड़ को अमरूद ही लगेंगे या आम लगेंगे नहीं। तो उसी प्रकार एक बड़ा जैसा आम, आपको आम का पेड़ है देखिए, उसमें एक आम लटक रहा है ऐसे दिखाई गया है, तो उसका भाई भी दौड़ कर आता है, जल्दी जल्दी आता है और आते समय वो हाथ में क्या लेके आता है, तो गुलेल लेके आता है। इस गुलेल में क्या पत्थर डाले जाते हैं, आपको भी मालूम होगी या आपकी गेम आपको पसंद भी होगी, गुलेल में पत्थर डाले जाते हैं, निशाना रखा जाता है और निशाना ऐसे छोड़ा जाता है और इससे जो कुछ भी हमने निशाने पे रखी हुई चीज है वो धम से नीचे गिर जाती है बच्चों। तो वैसे ही वो जो उसका भाई है ना, वो लड़का दौड़ते दौड़ते हुए आता है और वो जो आम यहाँ पे उसे पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है उस पर निशाना थामता है। निशाना थामने के बाद क्या होता है बच्चों, तो वो आम गिरने ही वाला था, ठीक है बच्चों, तो वो आम गिर ही रहा था, तभी क्या होता है देखिए, एक पंछी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो एक पंछी आता है और क्या करता है, उस आम को या उस एक चिड़िया लेके नहीं तो लोग उस चिड़िया को, जो चिड़िया है ना वो क्या करती है, एक चिड़िया भी आती है और झट से आकर क्या करती है, देखो वो जो आम है ना अपनी चोंच से क्या करती है, छीन लेती है बच्चों। तो वो जल्दी से आती है क्योंकि उसे भी आम बहुत पसंद है और अपनी चोंच से वो जो आम है ना वो बेचारी तोड़ देती है और वो लेकर भागती है या लेकर चली जाती है बच्चों। इसके बाद देखिए वो कहाँ रखती है,
चित्र दिखाई दिया है बच्चों, ये देखिए। और इस चित्र में क्या दिखाई दे रही है, गिलहरियां दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे टोकरी दिखाई दे रही है और यहाँ पे उस टोकरी में कुछ अंडे दिखाई दे रहे हैं। और वो जो गिलहरी है वो क्या करती है, वो गिलहरियां ये सारी चीजें देख रही है कि एक चिड़िया आई और वो क्या कर रही है, देखो बच्चों, तो वो जो टोकरी है उसमें आम रख रही है। ये सारी जो बातें हैं ये कौन देख रहा था बच्चों, तो ये सब गिलहरियां देख रही थी। गिलहरी मतलब खारुताई, मराठी में उसे कहते हैं ना खारुताई, आपने देखी होगी, तो वो वहां पे आती है। इसके बाद देखिए कि गिलहरी को वहां पे देखने के बाद जो 20 नंबर पन्ने पे दिखाई दिया है, एक गिलहरी उसमें से उतरती है और उतरने के बाद वो क्या करती है, उसने जहां पर भी उसने छोटे छोटे अंडे रखे थे उस टोकरी में, उसमें से वो क्या करती है, आम उठाती है और भाग जाती है। उसके मुंह में क्या है, आम है। अब गिलहरी कितनी होती है, छोटी ही होती है ना, और आम कैसे होता है, बहुत ही वजनदार होता है ना, तो उसके मुंह से क्या होता है, ये जो आम है वो फिसल जाता है, मतलब गिर जाता है। वो तो बेचारी आम मिलने के बाद जल्दी 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 करके क्या कर रही होती है, दौड़ रही होती है, ऊपर चल रही होती है, क्योंकि चिड़िया ने रखा हुआ आम किसे मिल गया, तो उस गिलहरी को मिल गया। बहुत ही खुश होती है और ऊपर चढ़ने लगती है और उससे क्या हो जाता है, एक आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और उसने क्या पहनी थी, तो पगड़ी पहनी थी। पगड़ी पहनने के बाद उसके पगड़ी में जाकर क्या गिर गया, तो वो जो आम है वो उसके पगड़ी में जाके गिर गया। आपको स्टोरी आ रही, समझ में आ रही ना, पहले किसने आम देखा, लड़की ने आम देखा, लड़की ने उसके भैया को बुलाया, भैया गुलेल से उसे मार ही रहा था पर एक चिड़िया आई, चिड़िया ने आम उठाया, उसके बाद चिड़िया ने टोकरी में आम रख दिया और टोकरी में से आम किसने लिया, गिलहरी ने उठा लिया। और गिलहरी के मुंह से वो जो आम है वो एक आदमी के पगड़ी में जाके बीचों बीच गिर गया। तो बीचों बीच गिरने के बाद क्या हो गया, वो जो दोनों है भैया और जो बहन थी, वो दोनों वहां पे जाके देखिए पहुंच गए, दोनों जल्दी से जाके पहुंच गए। और वो तो बेचारा सो ही रहा होगा ना, उसे तो आम के बारे में कोई भी बात मालूम नहीं थी। इसके बाद उसने क्या किया, वहां पे वो दोनों चले गए और उन्होंने उस आम को उठा लिया उनसे। ये देखिए मिल गया ना उस बहन को आम, उस लड़की को आम। तो ये जो आम चीज थी ये देखिए कितनी जल्दी से कितनी आसानी से उन दोनों को बेचारे को मिल गई। तो समझ में आया बच्चों, एक आम के लिए कितने लोग झगड़ रहे थे और अंत में जाके आम किसे मिल गया, तो उस लड़की को मिल गया। तो उसने क्या, और उसका जो भाई है वो अपनी गुलेल को देखता हुआ नजर आ रहा है और चिड़िया यहाँ पे, चिड़िया के जो बच्चे हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब चू 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 ऐसे चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे गुलेल लेके भाई खड़ा है और आम से लड़की को मिलने के बाद वो तो बहुत ही खुश है बच्चों। तो समझ में आई आपको चित्र देखकर कहानी, कि इस कहानी में कितने लोग हैं, लड़का है, लड़की है, गिलहरी है, चिड़िया है और अंत में एक आदमी जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सोया हुआ था, उसे तो मालूम ही नहीं कि आम उसके पगड़ी में आके गिर गया। बच्चों अच्छी है ना कहानी, चलिए आप भी क्या कीजिए, चित्र वर्ण खुद ऐसे बनाइए, मतलब खुद ही मन ही मतलब बोल कर दिखाइए। एक लड़का था, जैसे हम क्या करते हैं, एक हर कहानी बताते हैं किसी को, वैसे ही आप क्या कीजिए, घर में अपनी माँ को बताइए, नहीं तो बाबूजी को बताइए, ये कहानी बताने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।